ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं रेवाड़ी के संगवाड़ी गांव स्थित यूनिक प्रोडक्ट कंपनी की, जहां सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी कंपनी के बाहर है और इनमें तनावपूर्ण स्थिति है। इस तनावपूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की ओर से भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, जिसमें महिला पुलिस बल भी है, कॉन्स्टेबल भी है। बताया जा रहा है कि कंपनी ने रातों रात इन कर्मचारियों को बिना किसी नोटिस के बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिससे इन कर्मचारियों पर रोटी रोजी का संकट खड़ा हो गया है। ना ही इन्हें किसी प्रकार का कोई नोटिस दिया गया है और ये कर्मचारी है सैकड़ों की संख्या में। किस तरीके से इन कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा कर बाहरी कर्मचारियों को यहाँ पर तैनात किया गया है, कंपनी में लगाया गया, कर्मचारियों में गुस्सा है, तनावपूर्ण स्थिति है, क्या कुछ कर्मचारी बता रहे हैं, पहले एक बार वो सुनते हैं। सभी कर्मचारी यहाँ कंपनी में आए, जैसे ही हम यहाँ कंपनी में 6:30 बजे पहुँचे गेट के ऊपर, भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। कम से कम 300-400 जेंट्स है, 100-200 महिलाएं लेडीज कांस्टेबल है यहाँ पर। हमने मैनेजमेंट से सुबह आके बात करी, भाई ये इतना रोड़ा घोड़ा क्यों कर रखा है, ये इतना प्रशासन क्यों बुलाया, यही प्रशासन ही कंपनी चलाता है क्या, कंपनी तो मजदूर से चलती है, तो यही है। मैनेजमेंट ने कहा भाई आज हम बात करेंगे आपसे 9 बजे बस, ओके। तो आपने सुन लिया कि वहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया है, सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी कंपनी के बाहर बैठे हैं और कंपनी ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दीपावली का पावन पर्व है, आज करवा चौथ है, तो आप अंदाजा लगाइए कि इनके ऊपर कितना बड़ा संकट है। बिना किसी नोटिस और सूचना के कंपनी ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है, किस तरीके से इन पर रोटी का संकट खड़ा हो गया है। हालांकि अभी तक कंपनी के किसी भी अधिकारी का कोई मीडिया में जवाब नहीं आया है, लेकिन कर्मचारी जो बता रहे हैं, पहले एक बार सुनते हैं कि आखिर पूरा माजरा था क्या। 31/10/2023 को बी और सी शिफ्ट की कंपनी ने छुट्टी कर रखी थी, उसकी एवेज में, इन्वेंटरी की एवेज में बी शिफ्ट में कुछ कर्मचारी रोक रखे थे। उन कर्मचारियों को 7 बजे ऑफिशियली गेट पास देके बाहर निकाल दिया गया, बोला जल्दी जल्दी निकल जाओ, ठीक है। वो सब कर्मचारी निकल गए, उसके बाद कंपनी में उनके रहते रहते उनका कन्वेंस नहीं आया, तो इतनी ही 5-10 मिनट के हेर फेर में 200 से 250 कर्मचारी 2 बस लेके कंपनी परिसर में लेके बढ़ जाती है और उनको वहीं व्यवस्था ठहरने की भी, खाने की भी, सोने की भी सही अंदर कर दी जाती है, प्लस 60-70 बाउंसर वो भी 7 बजे पहले आ चुके थे। तो आपने सुन लिया इन कर्मचारी को, जाहिर है इसमें पक्के कर्मचारी भी हैं और जो कहें ठेके पर है उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है, चाहे कच्चे कर्मचारी हो पक्का हो, उनको बिना किसी नोटिस के कंपनी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और ये पहली ऐसी कंपनी नहीं है, कहें कि अब जितनी भी कंपनियां हैं उनका एक रवैया हो गया है, जब मन में आए कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दो। और जबकि ये कर्मचारी कई कई सालों से कंपनी में काम कर रहे हैं, इनके लिए अचानक गेट बंद कर दिया गया, इसी को लेकर के कर्मचारी गुस्से में है और कंपनी के बाहर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। क्यों ये कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, पहले एक बार इनकी जानेंगे। हम ड्यूटी पे आने थे 7 बजे, हमारे रूटों की बस थी इस प्रकार, रेवाड़ी सर्कुलर, बावल और जी कोसली और बिवरानी और कनीना, उन रूटों पे हमें कोई भी स्टैंड पर बस नहीं मिली। और हमारे सारे कर्मचारी ने सबसे बातचीत करी, ट्रांसपोर्टर मालिकों से बात करी, उन्होंने कहा कि आज हमारी बस नहीं आएगी। इसमें जो भी अगला अपडेट होगा आपको देंगे, फिलहाल इतना ही।